आज हमारे साथ स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीकर से। सबसे पहले हम उनसे यही पूछना चाहेंगे कि 3 साल हमारी सरकार को हो गए, आप एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप इस क्षेत्र में क्या क्या विकास हो 3 साल हो गए? मैंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो क्षेत्र के लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं थी। 2-3 महत्वपूर्ण कार्य जिसके लिए क्षेत्र की जनता काफी संघर्ष कर रही थी, जिसमें मुख्य मुद्दा था वहां पर रेलवे का मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होना, दूसरा वहां पर मुद्दा था सीकर की आबादी को देखते हुए, सीकर के आसपास के कार्य को देखते हुए, सीकर में शिक्षा के स्तर को देखते हुए वहां मेडिकल कॉलेज की मांग थी। ये 2 मुख्य बिंदु हमारे इस प्रकार के थे कि पूरे क्षेत्र की जनता पिछले अनेक वर्षों से इन दोनों चीज़ों की डिमांड कर रही थी, क्योंकि पूरे देश में जहाँ कहीं आप देखेंगे वहाँ आपको शेखावाटी का व्यक्ति दिखाई देगा। औद्योगिक जगत में, व्यापार के क्षेत्र में, हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने के अंदर हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है। तो जिन लोगों ने पूरे देश को इंडस्ट्री दी, पूरे देश को रोजगार दिया, व्यवसाय में आर्थिक साधन दिए, वही इलाका रेलवे की दृष्टि से पूरे देश से कटा हुआ था और इसलिए कटा हुआ था कि वहाँ पर ब्रॉडगेज नहीं था। इसी तरह से सेना की दृष्टि से शेखावाटी के 2 जिले सीकर और झुंझुनू, सीकर डिस्ट्रिक्ट में 70,000 लोग सेना से जुड़े हुए हैं, जिसमें 40,000 लोग वर्तमान में हैं, 30,000 लोग जो रिटायर हो चुके हैं वो है, 1,00,000 के आसपास झुंझुनू के लोग हैं, तो 1,70,000 आदमी, यानी चूरू को शामिल कर दिया जाए तो पूरी सेना का 10% सैनिक यदि कोई देता है तो शेखावाटी का क्षेत्र देता है। सेना के लोगों को जब घर आने के लिए वारंट मिलता है तो उनको रेलवे का वारंट मिलता है, तो उनको दिल्ली से या तो ट्रेन बदलनी पड़ती थी या बस से आना पड़ता था। तो उद्योगपति, व्यापारी और सैनिक, और दूसरा जो एक मुख्य कारण था वहाँ पर 2 धार्मिक स्थान जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, एक खाटू श्याम जी और दूसरा सालासर बालाजी, वहाँ भी पूरे देश से लोग आते हैं, वो आस्था का प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से रेलवे का वहाँ पर ब्रॉडगेज होना बहुत महत्वपूर्ण था और मैंने प्रयास किया। लगभग 1100 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ और इतनी राशि स्वीकृत होने के बाद में दिल्ली के लिए हमारी 3 दिन सप्ताह में ट्रेन चल चुकी है, फतेहपुर का ट्रैक चालू हो गया है, चूरू का ट्रैक अभी चालू हो जाएगा और सीकर से जयपुर का जो ट्रैक है वो काफ़ी अच्छा काम उसमें गति से हो रहा है। 1 साल में सीकर का पूरा इलाका चारों तरफ से रेलवे ट्रैक से जुड़ जाएगा। तो ये रेलवे की बात थी। दूसरी बात, मैंने कई मेडिकल कॉलेज की, सीकर आजकल एजुकेशन हब है, 1,00,000 स्टूडेंट सीकर में देश और प्रदेश के विभिन्न कोनों से पढ़ते हैं, खासतौर से वहाँ पर मेडिकल और नॉन मेडिकल के बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं, वहाँ कोचिंग करके बच्चे पूरे देश में जाते हैं। तो वहाँ के लोगों की, वहाँ के युवाओं की अपेक्षा थी कि हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमारे प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज घोषित हुए परंतु सीकर फिर छूट गया था और सीकर के छूटने से सीकर के लोगों में बहुत निराशा आई। लोगों ने चुनाव के समय में, वहाँ के युवाओं ने मुझे रक्त से हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिया कि आप चुनाव लड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं इसलिए हम मेडिकल कॉलेज आपसे चाहते हैं। और हमारे क्षेत्र की अपेक्षा पूर्ति की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं उनसे मिला और मैंने अपनी मांग उनके सामने की तो उन्होंने तुरंत स्वीकृति, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें सहयोग दिया। अगले वर्ष से हमारा मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएगा, 1,79,00,000 रुपया स्वीकृत हो चुका है। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ हमारी मांग हुई। इसके साथ साथ में जो बड़ा काम है वो है सड़कों का, परिवहन विभाग का। माननीय गडकरी जी हमारे क्षेत्र में 2 बार गए और सीकर डिस्ट्रिक्ट में सीकर से झुंझुनू, सालासर से मुकंदगढ़ होकर के लक्ष्मणगढ़ मुकंदगढ़ और सालासर से फतेहपुर, ये 3 हाईवे मेरे लोकसभा क्षेत्र को मिले हैं। तो सड़क, रेलवे और मेडिकल चिकित्सा सुविधा, इस दृष्टि से मेरी जो अपेक्षाएँ थी उस पर मैं खरा उतरा हूँ।
इसके अतिरिक्त छोटे छोटे काम बहुत हुए हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। हमारे यहाँ पर पहले एक लड़कियों की साई का सेंटर चलता था, उसको कांग्रेस के टाइम बंद कर दिया गया था। मेरे समय में मैंने माने मंत्री जी से या निवेदन किया खेल मंत्री जी से, तो वो दोबारा चालू हो गया। तो ये बहुत बड़े काम थे जो हुए हैं और सामान्य काम भी बहुत हुए। इसी तरह से हमारी प्रदेश सरकार ने माने मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान के इतिहास में पहली बार प्रत्येक पंचायत को 60 लाख रुपये गौरवपथ के रूप में दिए हैं और भामाशाह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड के रूप में प्रत्येक वो व्यक्ति जो बीपीएल है गरीब है उसको 3,000 से लेकर के और 3 लाख रुपए तक की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ साथ में प्रत्येक जिले के अंदर 8-10 हॉस्पिटल प्राइवेट क्षेत्र के भी उससे जुड़े हैं। तो ये सेंटर का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन का, किसानों की दृष्टि से किसानों के अभी जो ब्याज माफ़ किया है वो 11% से केवल 4% के ऊपर आ गया है, तो ये बहुत बड़ी सुविधाएं हैं। इसी तरह से बीमा की योजना थी, पहले 50% नुकसान होता था उसमें तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर उसको आंकलन किया जाता था, पूरी तहसील उसमें आनी चाहिए खराबे में, लेकिन अब केवल एक रकबा निश्चित कर दिया है, खसरा निश्चित कर दिया है और उसको भी 50% को 33% पर ले आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से भी मेरे क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। तो केंद्र सरकार के बहुत सारे काम जिससे युवाओं को रोजगार मिला है, जैसे मेरे यहाँ ड्राइविंग सेंटर प्रारंभ हुआ, पूरे राजस्थान में एकमात्र भारत सरकार का ड्राइविंग सेंटर शुरू हुआ, और भी कई इस प्रकार के केंद्र राजस्थान गवर्नमेंट और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रारंभ किए। तो मेरी दृष्टि से ये है कि मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर जो काम करने चाहिए थे, जो मैंने संकल्प लिए थे, वो पूरे हुए हैं और आगे भविष्य के अंदर भी बहुत सारी परियोजनाएँ हैं हमारी। जैसे खेल के क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के युवाओं ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खासतौर से बास्केटबॉल एथलेटिक्स की दृष्टि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए। हम फिर चाहते हैं कि वहाँ के स्टेडियम को डेवलप किया जाए और वहाँ के युवाओं को इस प्रकार की सुविधा मिले ताकि देश का गौरव बढ़ सके। तो सेंटर और स्टेट दोनों के सहयोग से मेरे लोकसभा क्षेत्र में जो विकास के काम हुए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है और मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं इसी बीच में पूछना चाहता हूँ स्किल डेवलपमेंट जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारे सरकार का, आपके क्षेत्र में युवा हर तरह की डिमांड कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, सब कुछ है, उसमें स्किल डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ कितना काम आपके द्वारा किया है? स्किल डेवलपमेंट में मेरे क्षेत्र में लगभग 4 सेंटर तो स्टेट गवर्नमेंट के और 1 सेंटर मैंने जैसा अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला, और उसमें मैं सभी सेंटरों का दौरा मैंने किया, वहाँ के संचालकों से जो एनजीओस हैं उनसे, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की, वहाँ युवाओं से भी बात की। जिन लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग ली है उनमें से लगभग 70% लोगों को जॉब भी मिला है। विभिन्न कंपनियों में वो लोग अप्लाई करवाते हैं और कंपनीज फिर इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। तो मेरे क्षेत्र के जिन युवाओं ने वहाँ ट्रेनिंग लिया है समथिंग 10,000 नौजवानों ने अब तक ट्रेनिंग ली है और उन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद में उसमें से 7-8 हज़ार नौजवान जॉब के अंदर भी गए। अभी उसको बहुत सारे केंद्र खुलेंगे और केंद्रों की दृष्टि से युवा मैं समझता हूँ कि उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी बहुत सारे बैंकों ने लॉन्च दिए हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 89,089 गैस सिलेंडर लेक्स ये 1000 गैस सिलेंडर मेरे लोकसभा क्षेत्र को दिए हैं। कारण है कि सीकर काफ़ी शिक्षित और डेवलप क्षेत्र है, इसलिए वहाँ इतने लोग इस रेंज में आए हैं तो उनकी पूर्ति सभी हो जाएगी। इसी तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मेरे क्षेत्र के लोग बहुत सारे लोग ढाणियों में रहते हैं, वहाँ जो खेत में लोग मकान बना करके रहते हैं ट्यूबवेल के ऊपर, हमारे उसको ढाणी बोलते हैं। कई कई गांव तो ऐसे हैं जिसमें 70% और 60% लोग ढाणियों में रहते हैं, तो अलग अलग रहते हैं। तो जब उनको घरेलू कनेक्शन की बात आती थी तो सरकार के सामने खड़ा एक संकट समस्या होती थी कि घरेलू कनेक्शन में प्रावधान है कि अगर आबादी क्षेत्र से बाहर है तो खुद व्यक्ति को उसका खर्चा देना पड़ता था और एक एक गांव की सीमा 4-4, 5-5 किलोमीटर में है, तो 2-3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तक बिजली की लाइन खींच कर ले जाना किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं थी। इस योजना के अंदर पहले बीपीएल को लिया
और फिर हमने माने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, माने विद्युत मंत्री से निवेदन किया, माने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि हमारे क्षेत्र के लोग तो इस प्रकार से गांव से बाहर रहते हैं, तो उसको हर आदमी से जोड़ने की योजना बना ली। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री जी की बहुत ही एक ऐसी अनूठी स्कीम है, ग्राम को गाँव को बसाना, गाँव को बढ़ाना, उसमें आप द्वारा कौन कौन से गाँव लग लिए? मैंने सबसे पहले मेरे नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र में गाँव है चला, जो सीकर दिल्ली रोड पर पड़ता है, उस गाँव को लिया। और उस गाँव के अंदर मैंने पहले सबसे पहले स्वच्छता अभियान को लिया, गाँव साफ सुथरा होगा तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वच्छता अभियान को लेकर के गाँव की गलियों में खाले बनवाना, सड़कें बनवाना, लाइट की व्यवस्था करना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, इन कामों को अपने हाथ में लिया। वहाँ शौचालय का निर्माण करना, पूरी पंचायत को मॉडिफाई करना, ODF करना, तो ये काम हाथ में लिए और इसमें हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। गाँव के लोगों का अच्छा सहयोग मिला, आसपास के लोगों का भी अच्छा सहयोग मिला। साथ में वहाँ पर कुछ कैंप भी हमने किए, योग के कैंप किए, कुछ ट्रेनिंग कैंप किए और भी किए, तो उस दृष्टि से उस गांव के अंदर काफ़ी जागरूकता आई है। वहाँ बहुत बड़ी समस्या पानी की थी, 3,70,00,000 रुपये का एक प्रोजेक्ट बना रखे, पेयजल की समस्या का समाधान हमने वहाँ करवाया है, तो पानी की समस्या का समाधान हुआ, चिकित्सा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा काम हुआ, स्वच्छता की दृष्टि से काम हुआ, वृक्षारोपण की दृष्टि से काम हुआ, सड़कों के काम हुए, नालियों के काम हुए, तो इस प्रकार से गांव के अंदर वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट का काम हुआ है। अब मैंने 2 गांव और लिए, एक गांव श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में जुगराजपुरा, वो गांव इसलिए लिया कि वर्तमान समय के अंदर परिवार का बचना भी मुश्किल है जहाँ लोग शराब नहीं पीते, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि वो एक ऐसा गांव है जिस गांव के अंदर शराब नहीं है, शराब का ठेका नहीं है। दूसरा, अब तक उस गांव के अंदर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, नहीं तो कहीं भी कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जिस गांव के अंदर 10-20-50 मुकदमे नहीं होते, पूरे गांव के अंदर कोई भी मुकदमा नहीं है। तो मेरे मन में एक भाव आया कि ये गांव तो 50% तो पहले आदर्श है, इसको और अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो उस गाँव के अंदर मैंने सबसे पहले तो एक जिम के लिए पैसा स्वीकृत किया है, सांसद के लिए प्रावधान है व्यायामशाला, तो व्यायामशाला के लिए मैंने स्वीकृत किया है। वहाँ एक अच्छी व्यायामशाला होगी जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी जिम के रूप में, ताकि वहाँ युवा आए और वो युवा पुलिस है, सेना है और भी विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जब फिजिकली फिट होगा तो युवा आगे आएंगे। पेयजल के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, स्वच्छता के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, वृक्षारोपण की दृष्टि से प्रोजेक्ट बनाया है। अभी उस गाँव के अंदर 6 महीने से मैंने उस गांव को लिया है, उसका पूरा प्रोजेक्ट बना करके सरकारी डिपार्टमेंट्स को भेजे हैं। एक मीटिंग मेरे गांव हो चुकी है और गांव के अंदर बहुत अच्छा उत्साह है। दूसरा गांव मैंने लिया जयपुर से, जब कभी सीकर की तरफ जाएंगे तो चोमू से आगे चल करके एक गांव आता है ढोड़सर, हाईवे के ऊपर है वो गाँव, उस गाँव को लिया। अभी मैं उस गाँव के अंदर गया था तो वहाँ मैंने एक बर्ड कैंप किया और दूसरा वहाँ पर हमने स्वच्छता अभियान चलाया। आपको आश्चर्य होगा, 200 नौजवानों की टीम हाथों में पावड़े लेकर के, झाड़ू लेकर के, ट्रॉली लेकर के, ट्रैक्टर की, और मेरे साथ सड़कों पर उतर गई और किसी ने यह संकोच नहीं किया कि गंदगी को उठाने में कोई संकोच होता है। पूरे जोश के साथ में पूरी टीम ने, हमारे विधायक हमारे साथ थे, वहाँ के प्रतिनिधि हमारे साथ थे, सारे जनप्रतिनिधि मेरे साथ में थे, हमारे सारे संगठन के लोग हमारे साथ में थे और एक अच्छा वातावरण बना। मैं समझता हूँ कि वो गाँव, हम 1 साल के भीतर भीतर उस गाँव को एक ऐसा स्वरूप देंगे कि जयपुर से चलने वाला व्यक्ति, चाहे वो बीकानेर जाएगा, चाहे गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, यहाँ कहीं भी जाएगा, उस गांव को देख करके ऐसा अनुभव करेगा कि आदर्श गांव हो तो ऐसा। सर, आदर्श गांव की बात हम कर रहे थे, आदर्श राष्ट्र के बारे में हम बात करें, जैसे आप समझिए, अब राष्ट्र का रूप बदल गया है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं, पर एक नई उम्मीद और नई तरह, लेकिन इस तरफ हम देखें जैसे हमारे अमरनाथ यात्रियों पर हमला हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्र की परिभाषा क्या है, पहले तो इसे हमें समझना पड़ेगा जी। केवल भौगोलिक सीमाएं राष्ट्र नहीं होती,
वहां का नागरिक और उसके विचार क्या है, ये मूल चीज है। और मैं समझता हूं कि इस देश के लिए हमारे देश के नागरिकों ने लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। ये जज्बा जो आजादी से पहले मेरे देश के युवाओं में देशभक्ति का था, दुर्भाग्य रहा कि हमने इस जज्बे को कायम नहीं रखा। विश्व के अंदर जितने भी इस प्रकार के देश हैं, जो देश विकसित देश हैं, उनमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धारणा थी वहां के नागरिक में देशभक्ति की बात। नागरिक जब तक ये नहीं समझेगा कि मेरा राष्ट्र है, उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति सरकारी सर्विस करता है, किसी ऑफिस में अधिकारी है, जब वर्षा होती है और उसके सामने उस ऑफिस की दीवारों के अंदर पानी जाता है, तो व्यक्ति खड़ा होकर के प्रतीक्षा करता है कि नौकर आएंगे और उस पानी को रोकेंगे। वही व्यक्ति जो घर में जाता है और घर में जब वर्षा होती है और पानी उसकी दीवारों में जाता है, तो वो छाता लेकर के या फावड़ा लेकर के मैदान में आ जाता है। उसका कारण क्या है, उसमें अपनत्व का भाव है कि मेरा है और वहां वो राज का है। तो जब तक हमारे देश के नागरिकों में ये भावना नहीं होगी कि ये मेरा है, सरकार किसकी है, देश किसका है, ये संपत्ति किसकी है, प्रत्येक संपत्ति को जब तक हम अपनी संपत्ति नहीं समझेंगे, तब तक हम देश को आदर्श नहीं बना पाएंगे। आदर्श देश तो आदर्श नागरिक से बनेगा। तो मेरे देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर इस भावना को पैदा करने की आवश्यकता है कि देश की प्रत्येक एक एक इंच भूमि हमारी है और देश का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक संपत्ति, एक छोटी सी टेबल, ये टेबल मेरे सामने पड़ी है, ये मेरी है, इस पर खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। आज क्या स्थिति होती है, हमारे यहाँ जो कोई स्टेशन होता है तो सबसे पहले स्टेशन में लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो परिणाम क्या निकलता है, नुकसान किसको हुआ, राष्ट्र को हुआ। तो ये भावना जब तक हम विकसित नहीं करेंगे, और माननीय मोदी जी का नेतृत्व जब से हमें मिला है, एक नया जोश लोगों में पैदा हुआ है, युवा पीढ़ी में खासतौर से, और उसमें राष्ट्र का भाव पैदा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि जब तक देश का नागरिक संस्कारित नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्रांतिकारी है राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा मैंने पढ़ी, तो उन्होंने युवाओं से एक मैसेज दिया था कि जो नौजवान हमारे बच्चे पर चलना चाहते हैं, मैं उनको ये तो नहीं कहूंगा कि वो हमारी तरह फांसी के फंदे चुने या जेल काटें, परंतु वो देश के लोगों को शिक्षित और संस्कारित करें। और उनका कहना था कि शिक्षित व्यक्ति का शोषण नहीं होता और संस्कारित व्यक्ति का पतन नहीं होता। तो ऐसे लोग जो हमें मिलेंगे, जो शिक्षित होंगे, संस्कारित होंगे, जो उन्हें शोषण करेंगे, उन्हें शोषित होंगे और पतन नहीं होगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो देश पतन खड़ा हो जाएगा। तो हमारे देश के क्रांतिकारियों को भी भावना थी, माननीय मोदी जी की भी यही भावना है कि मेरे देश का युवा ऐसा हो जिसके रोम रोम के अंदर देशभक्ति का भाव हो। तो मैं समझता हूँ कि इस पथ के ऊपर हम निकले हुए हैं, प्रधानमंत्री जी और मेरे जीवन का तो मिशन रहा ये। मैं तो 1973 जब घर से निकला, तो ये उद्देश्य लेकर के निकला था कि मुझे देश के युवाओं को संस्कारित करना है, और आज भी इस मिशन में लगे रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भौतिक संपदाएं तो हमें बढ़ानी चाहिए, लेकिन हमारे पास टैंक है, हमारे पास बंदूकें हैं, सब कुछ है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के पास भी संसाधन थे, लेकिन 90,000 लोग वहां के सैनिकों ने हथियार डाले, उसके पीछे कोई कारण होगा। हमारे थोड़े से सैनिक बिना संसाधनों के अंदर भी चीन के साथ लड़े, 1962 में पाकिस्तान के साथ लड़े, उसके अंदर एक ही भाव था कि लोगों के अंदर विल पावर और देशभक्ति का जज्बा। तो इन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। तो जब तक युवाओं के अंदर देशभक्ति का भाव नहीं होगा, चाहे हमारे पास कितने साधन क्यों नहीं हो, हम बाहर के दुश्मनों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए राष्ट्र के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्र निर्माण में भौतिक और नैतिक दोनों मूल्यों के ऊपर हमें देश के लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना। जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं हमारे देश में, बाहरी लोग आकर हमले कर रहे हैं, चाहे आतंकवादी है या अंदर के लोग, और हमारी यात्राओं में खासकर, आपको ऐसा नहीं लगता कि इन यात्राओं पे हमला करना एक कायरतापूर्ण तो है ही है, इसमें जो हमारे आसपास के सहयोगी लोग हमारे दूसरे दल के सहयोगी हैं या
उनका इस तरीके से हमारे इन बातों के लिए तथस्वी उड़ाना, क्या वो सही? जब भी देश के ऊपर इस प्रकार का कोई संकट आए, चाहे किसी मत के लोगों पर आए, किसी संप्रदाय किसी जाति पर आए, तो मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, वो कभी भी कोई इस प्रकार की बात नहीं करेगा जिससे देश में मैसेज गलत जाए और समाज में लोगों में मैसेज गलत जाए। तो यदि कोई भी पार्टी का व्यक्ति इस प्रकार की घटनाओं पर अगर कोई बात करता है तो मैं समझता हूँ वो अनमैच्योर है, राजनीतिक अपरिपक्वता उनमें झलकती है, देश के प्रति भी कहीं शायद भावना का अभाव दिखाई देगा। बात जहाँ तक रही कि समय समय पर आतंकवादी हमले होते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, इसमें कुछ तो हमारी चूक रही, यात्रियों को भी चूक रही, और वहाँ कुछ जो सुरक्षा की दृष्टि से लोग थे उनको गाड़ी रोकना चाहिए था, नहीं तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। इतने दिन से यात्रा चल रही थी, कहीं इस प्रकार की कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान जो हमारे पड़ोस में बैठा है, पाकिस्तान 1971 के दर्द को भूल नहीं पाया है। 1971 में पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश निकला, उस पीड़ा को पाकिस्तान भूल नहीं पाया है, और कई कुछ हद तक चीन को भी तकलीफ होती है। भारत जो संपन्न होता जा रहा है, भारत सशक्त होता जा रहा है, तो चीन नहीं चाहता कि भारत आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से या और दृष्टि से स्वावलंबी हो, मजबूत हो। तो जब पड़ोसी की भावना इस प्रकार की हो, और हमारे देश की सीमाएं बहुत लंबी चौड़ी सीमाएं, आंतरिक दृष्टि से भी मैंने एक बात आपको कही कि हमारा ये दुर्भाग्य रहा कि देश की आजादी के समय में हमारे जो जज्बा था उस जज्बे को हम कायम नहीं रख पाए, नहीं तो हमारे देश में तो अब्दुल हमीद हुए, अशफाकुल्ला खां हुए और बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। तो हम अपने मुस्लिम भाइयों को भी अगर उसी समय से देश की इस प्रकार की शिक्षा और ट्रेनिंग देते, तो कुछ लोगों में जो भटकाव पैदा होता है आज पाकिस्तान के बहकावे में आकर के और किस प्रकार के उत्साह में आकर के आर्थिक लालच में आकर के, देशभक्ति का भाव जो होता है तो वहां पर आर्थिक लालच नहीं होता। हमारे देशभक्तों की लालच दिए गए, कितने लोग दिए गए, कितनी सुविधाओं के लालच दिए गए, लेकिन क्यों नहीं प्रभाव में आए? तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान तो चाहेगा कि भारत को किसी रूप में तोड़ा जाए, और कुछ विचारधाराएं भी इस प्रकार की हैं जो विचारधाराएं चाहती हैं कि देश के अंदर जैसे आंतरिक उग्रवाद है, तो उसमें भी प्रयासरत हैं कि देश के नागरिकों को ये बात समझाई जाए कि कभी भी हथियार के बलबूते पर ये लड़ाइयाँ सक्सेस भी हुई हैं। चाहे आप पंजाब की लड़ाई को देख लो या और किसी लड़ाई को देख लो, जब भी कोई आदमी हथियार उठा करके समाधान करना चाहे जिसने, उसमें मिट गए, समस्या नहीं मिटी। एक अंतिम सवाल है, गौरक्षा आंदोलन एक चल रहा है और गौरक्षा गौ हमारी माता है सब लोग जानते हैं, लेकिन राजस्थान में ही खासकर कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट, कुछ ऐसे जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई जिससे गौरक्षा आंदोलन में बहुत बड़ा सवाल हुई है। गाय को हमने थोड़ा सा गलत रूप दे दिया। गाय का एक तो धार्मिक स्वरूप हमारे हृदय में बसा हुआ है, और वो इसलिए बसा हुआ है कि गाय के दूध, गाय का घी जिसको हम पंचकव्य कहते हैं, माँ के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा हितकारी है मनुष्य के लिए, वो गाय का है। गाय की प्रत्येक चीज औषधि है, और इसलिए हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कहा कि भाई गाय जो है वो विश्व की माँ है। एक तो ये हमारा आध्यात्मिक रूप था, दूसरा था किसान प्रधान देश था, ये हमसे गलती हुई, और वो गलती ये हुई कि हमने जो हमारा छोटी जोत थी उस छोटी जोत के ऊपर हम बैल को कायम नहीं रख पाए। किसानों के अंदर, युवाओं के अंदर हमें एक भावना पैदा करनी चाहिए थी। चौधरी चरण सिंह हमेशा एक बात कहते थे, लोहिया जी हमेशा एक बात कहते थे कि भारत में भारतीय संसाधनों से जब तक हम खेती नहीं करेंगे तब तक हम भारत को संपन्न नहीं कर पाएंगे।
हमने अमेरिका की नकल की, फार्मिंग सिस्टम को लाने की कोशिश की और उसका परिणाम ये निकला कि बैल के स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया। उसके दो नुकसान हुए। एक नुकसान तो ये हुआ कि 70% की आबादी जो खेती पर टिकी हुई है उसके हाथ में ट्रैक्टर आ गया, और ट्रैक्टर आने से, ट्रैक्टर तो डीजल से चलेगा, पेट्रोल से चलेगा, तो पेट्रोल डीजल का जो पैसा है वो तो विदेशों में जाएगा अधिकतर, हमें बहुत सारे पेट्रोल डीजल बाहर से ही लेना पड़ता है। दूसरा ये रहा कि हमारे यहाँ बैल उपयोग नहीं रहा, बैल जितना काम करता था हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाने के लिए मालवाहक के रूप में, तो इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करना था, लेकिन गांव के गांव में जब बैल का उपयोग करते थे वो समाप्त हो गया। तो उसका परिणाम ये निकला कि आज जो गाय बछड़े देती हैं वो बछड़े सड़कों पर आ गए अनुपयोगी होकर के, और आज भी भारत के मन और आत्मा में ये बसता है। ठीक है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो गोमांस खाने की बात करते हैं, लेकिन अधिसंख्या लोग, यहाँ तक कि आप मुस्लिम जो बड़े बड़े संत हुए हैं मुसलमानों के अंदर भी, अकबर जैसे व्यक्ति ने अपने राज के अंदर को हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। कुरान में कहीं गौ मांस खाने का प्रावधान नहीं है, ये अंग्रेजों को देन नहीं, अंग्रेज ऐसे बीज बोकर के चला गया, उसी के कारण तो हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई खड़ी हुई। मुसलमानों के कुरान में गौ मांस का प्रावधान नहीं है, तो परिणाम उसका क्या निकला कि आज हम टकराव की स्थिति में आ गए। बात रही आपने जैसे कहा कि राजस्थान और देश में कई स्थानों के ऊपर इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, कई बार क्या होता है, अभी माने प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि भाई वो रक्षा के नाम के ऊपर यदि कोई दुर्घटना करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद का प्रावधान है। ये मूल प्रावधान था, माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय इसी बात को लेकर चले गए कि हम अपने संस्कृति को बचाए रखना है, तो संस्कृति के हिसाब से भाजपा के अधिसंख्यक लोग बहुत से जुड़े हुए हैं, और वर्कशॉप मूवमेंट जब जब हुआ उसमें जनसंघ भी शामिल रहा, उसमें हिंदू संस्थाएं भी शामिल रही, तो कुछ लोगों का षड्यंत्र भी है कि वो किसी तरह से लोग काबू आ नहीं रहे, तो ऐसे लोगों को गौरक्षक दलों के रूप के अंदर घटनाक्रम करवाओ जिस घटनाक्रम से भाजपा बदनाम हो या हिंदुवादी संगठन बदनाम हो। इसलिए मोदी जी को यह कहना पड़ा कि गौरक्षा के नाम के ऊपर, गौरक्षक दल के नाम के ऊपर यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कई स्टेट ने तो उनको वेरिफिकेशन करने तक का प्रावधान बैन भी कर रहे। तो मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है या आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कोई भी इस प्रकार का काम नहीं करेगा, ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे किसी भी मतपंथ संप्रदाय के व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचे। भारतीय राष्ट्र के नाम आपके द्वारा एक संदेश जरूर हमारे सबको मिले। मेरा खासतौर से युवा पीढ़ी से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आज का युवा सबसे अधिक प्रभावित है तो वो आर्थिक संसाधनों से प्रभावित है, साधन साध्य नहीं होता, साधन साधन होता है। गाड़ी हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि हमारा समय बचे और हम सुरक्षित दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं, लेकिन आदमी गाड़ी को साधन मान बैठे तो वो बुद्धिमता नहीं है। तो धन साधन है, हमें उतना ही धन कमाने का भावना रखना चाहिए जो हमारे लिए साधन रूप में आ सके, भोग के रूप में नहीं आना चाहिए। भोगवादी संस्कृति हमारी नहीं रही है, हमारी त्यागवादी संस्कृति रही है, और इसीलिए हमारे यहाँ पर यजुर्वेद में जिसके मेन बेस के अंदर गीता का मूल समावेश है, पूर्वण्यवेय कर्माणि जिजि विषय तकम समायवम तो ही नाने थे दोस्ती करने, इसमें आया है तेरे त्यक्ते न गुंजे था माँ हृदय कस्य स्वेदना, हम त्यागपूर्वक जीवन जिए, और त्यागपूर्वक जीवन का मतलब ये नहीं है
कि भाई हम कपड़े भी उतार दें, हम साधन भी छोड़ दें, नहीं। त्यागपूर्ण जीवन का उद्देश्य यह है कि मुझे जितने साधनों की आवश्यकता है, जो आवश्यकता है, जो अनिवार्य है, मैं वही साधन अपनाऊं। मुझे चार जोड़ी कपड़ों की जरूरत है तो मैं 10 जोड़ी कपड़ों का संकलन नहीं करूं। मैं एक सामान्य घड़ी से काम चला सकता हूं तो मैं लाखों रुपये घड़ी का प्रयोग नहीं करूं। इसलिए संसाधन वो हो जो हमारे लिए आवश्यक है। हम भोगवादी संस्कृति के ओर न चले तो युवाओं से मेरा कहना है कि वो भोगवादी संस्कृति से बच करके और जीवन में संसाधन अपनाएं, लेकिन राष्ट्रहित को देकर संसाधन अपनाएं। दूसरा मेरा यह है कि देश को सर्वोपरि रखें। देश है तो हम हैं, देश सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है, देश का नाम आगे बढ़ेगा तो भारत का नाम आगे बढ़ेगा। तो राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, जाति मत संपन्न संप्रदाय इनको छोड़ करके राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो युवा यदि इस चीज इस पथ पर चलेगा तो आज सबसे विश्व का सबसे युवा देश भारत है, और वो देश विज्ञान की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, खेल की दृष्टि से विश्व का नेतृत्व कर सकता है। तो मैं ये यही मेरा मैसेज है कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के लोग मूल रूप से देशभक्ति का भाव रखें और कम से कम संसाधनों का प्रयोग करने का प्रयास करें। धन्यवाद। धन्यवाद।